हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, यह है वन लाइनर टेक न्यूज का 21वां एपिसोड। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए यहां पर कुछ एक शॉर्ट टेक न्यूज लेकर आया हूं, और आज की जो न्यूज होने वाली है वो काफी शॉर्ट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वन लाइनर टेक न्यूज का ये एपिसोड। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की जो पहली न्यूज आ रही वो एयरटेल की तरफ से आ रही कि एयरटेल ने अपना एक पोस्टपेड प्लान यहाँ पर रिवाइज किया है। एयरटेल की तरफ से जो 649 रुपीज वाला पोस्टपेड प्लान चल रहा था उसमें पहले आपको 50 GB डेटा दिया जाता था, लेकिन अब एयरटेल के इस प्लान में आपको दिया जाएगा 90 GB डेटा। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आ रही वो सैमसंग की तरफ से आ रही कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के कुछ एक स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपको पता होगा कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 को लॉन्च किया जाने वाला है 9 अगस्त को। तो इसके बारे में पता लगा कि यहाँ पर आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। पहला होगा आपका 6 GB रैम वेरिएंट, जिसमें आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जबकि जो दूसरा वेरिएंट होने वाला वो होगा आपका 8 GB रैम वेरिएंट, वहां पर आपको 256 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा, जबकि जो तीसरा वेरिएंट होने वाला है वो आपका 8 GB रैम वेरिएंट होगा, लेकिन उसमें आपको जो है 512 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। साथ में यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज की अगली न्यूज आती है मोटोरोला की तरफ से कि मोटोरोला जल्दी जो है Z3 और एंड्रॉइड 1 वाला जो उनका स्मार्टफोन है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये लॉन्च किया जा सकते हैं 2 अगस्त को। दोस्तों, जो नेक्स्ट न्यूज आ रही है वो व्हाट्सएप की तरफ से आ रही है कि व्हाट्सएप यहाँ पर एक नया फीचर लेकर आ रहा है, जिसमें जो है जो ग्रुप एडमिन है वो यहाँ पर ब्लॉक कर सकता है ग्रुप के सभी यूजर्स को, कि कोई भी यूजर यहाँ पर जो है ग्रुप में मैसेज नहीं कर पाएगा, और फिर जो है जो एडमिन है सिर्फ वही मैसेज कर पाएगा, तो वो सभी पार्टिसिपेंट को जो है ब्लॉक कर सकता है और खुद ही खुद वहां पर जो है मैसेज सेंड कर सकता है। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आ रही है वो यहाँ पर जियो के मॉनसून ऑफर को लेकर आ रही है। जियो ने ओप्पो मॉनसून ऑफर लॉन्च किया, जिसमें जो है जियो और ओप्पो यूजर्स को दिया जा रहा है करीबन 3.2 TB डेटा बिल्कुल फ्री में। साथ में वहां पर आपको जो है 4900 रुपये के बेनिफिट दिए जा रहे हैं, और ये आपको मिलेंगे तब आप पहला रिचार्ज जो है कराएंगे 198 या 299 रुपये वाला। दोस्तों, आज की जो अगली न्यूज आ रही है वो OnePlus 6 को लेकर आ रही है कि OnePlus 6 में अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था, उसके बाद में जो उनकी बैटरी थी वो काफी जल्दी ड्रेन हो रही थी। तो अब OnePlus 6 में एक नया जो है हाइड्रोजन OS का नया अपडेट आया, जो कि यहाँ पर 5.1.10 है। तो इसमें जो है इस जो बग को, यानी कि जो बैटरी ड्रेन वाला इशू था, उसको जो है फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों, अगली न्यूज आती है यहाँ पर OnePlus की तरफ से कि OnePlus ने यहाँ पर एक नया अनाउंसमेंट किया है और बताया है कि 2019 के अंदर OnePlus जो भी नया स्मार्टफोन लेकर आएगा उसमें आपको 5G देखने को मिलेगी, यानी कि वहां पर आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा। दोस्तों, अगली न्यूज जो आ रही है वो Huawei की तरफ से आ रही है कि Huawei ने बताया कि इस साल जो है वो एक गेमिंग फोन लॉन्च करने जा रहा है, और नेक्स्ट ईयर जो है वो एक फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। दोस्तों, आज की अगली न्यूज आती है Vivo की तरफ से कि Vivo ने यहाँ पर Vivo V9 का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया, जो कि 6 GB रैम वेरिएंट है। इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 660 वाला प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन जो कैमरा है वो यहाँ पर डाउनग्रेड किया गया है, और इसका जो प्राइस है फिलहाल इसे जो है इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया, तो अगर इंडियन करेंसीज में इसे जो हम देखें तो करीबन 20,000 रुपये के आसपास इसका प्राइस आपको पड़ेगा। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज आ रही है यहाँ पर जो है Redmi Note 5 Pro यूजर्स के लिए, और उन्हें जो है जिस अपडेट का काफी दिनों से इंतजार था, तो फिलहाल वो अपडेट उन्हें अब मिलना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आज से उन्हें MIUI 9.1.4 का अपडेट जो है मिलना स्टार्ट हो चुका है, जो कि एंड्रॉइड ओरियो पर काम करता है, यानी कि यहाँ पर आपको जो है डुअल 4G वाला फीचर भी अब मिल जाएगा। दोस्तों, अगली न्यूज आती है यहाँ पर जो है मोटोरोला की तरफ से कि मोटोरोला अपने दो नए स्मार्टफोन मोटोरोला E5 और E5 प्लस जल्दी इंडिया में लॉन्च करने जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ एक वन लाइनर टेक न्यूज, जो कि मैंने बताया था आज मैं आपको काफी शॉर्ट में टेक न्यूज देने वाला हूं। तो आज का एपिसोड शायद आपको जरूर से पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये टेक एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।